बॉलीवुड में रातों रात जिंदगी बनते हुए देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग किसे भी सुनाते हैं एक सेकंड में करियर बन गया उनका। लेकिन कभी ये सुना है आपने कि रातों रात पूरा करियर बर्बाद हो जाए, वो भी ऐसा कि आपसे सब कुछ छीन लिया जाए। अक्षय कुमार भाई ये नाम कुछ दिनों पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हिट फिल्मों की गारंटी माना जाता था। सोचो गुड न्यूज जैसी एवरेज फिल्म और मिशन मंगल, जिसका एक्चुअली साइंस से ज्यादा लेना देना था नहीं, वो भी 300 करोड़ का नंबर टच कर गई। साफ पता चलता है पब्लिक को फिल्म के नाम पे नहीं अक्षय कुमार के नाम पे पूरा भरोसा हुआ करता था। लेकिन फिर क्वालिटी को पीछे छोड़कर भैया जी लग गए क्वांटिटी के पीछे और बार बार स्क्रीन पर वापस आना इनको महंगा पड़ गया, क्योंकि थिएटर से पब्लिक बोर हो गई थी और धीरे धीरे गायब होने लग गई। ज्यादा पीछे की बात नहीं करते, अभी इनकी लास्ट फिल्म सेल्फी इतना बुरा हाल हुआ इतना शायद बुरा किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। पहले दिन फिल्म में अक्षय की जिंदगी की सबसे लोएस्ट ओपनिंग पकड़ी और सिर्फ 2.5 करोड़ कमाए, जबकि न्यूज आर्टिकल्स में इसका बजट 100 करोड़ से 150 करोड़ तक बोला गया। इस सदमे से अक्षय कुमार के फैंस उभर नहीं पाए थे कि दूसरी बैड न्यूज भी आ गई, हेरा फेरी फ्रेंचाइज से इनको आउट कर दिया गया था। ऐसी न्यूज आग की तरह फैलने लगी थी, वो तो शुक्र है पब्लिक का जिसने ट्विटर पर जंग लड़ी और फिल्म के मेकर्स को मजबूर कर दिया ओरिजिनल कास्ट को रिवील करने के लिए। लेकिन अक्षय की लाइफ में फिलहाल एक डायलॉग फिट बैठता है, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ओ माय गॉड 2 जिनकी बहुत अच्छी फिल्म है। बिल्कुल रिसेंटली ये न्यूज घूम रही है कि इस फिल्म के मेकर्स अक्षय को लेकर थोड़ा डर गए हैं, इसलिए फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करने के लिए रिस्क लेना नहीं चाहते और फिल्म को बिना किसी प्रॉफिट बिना किसी लॉस के ओटीटी पे बेचा जा रहा है। चलो ये सुनकर भी इतना दुख नहीं हुआ होगा, जॉब होने वाला है, क्योंकि सच में ये वाली बैड न्यूज है अक्षय के लिए। देखो कुछ मूवीज है जिनके बारे में सोचने पर आप सिर्फ अक्षय कुमार को उसमें इमेजिन कर सकते हो, उनके बिना वो फिल्म फूटे हुए गुब्बारे की तरह है। इस लिस्ट में काफी ऊपर नाम आता है राउडी राठौड़ का, प्योर मास एक्शन कॉमेडी थ्रिलर सस्पेंस बवाल टाइप की फिल्म जिसने देखा फैन हो गया वो। कुछ टाइम पहले मार्केट में न्यूज घूम रही थी कि उस फिल्म के मेकर्स बहुत जल्दी फिल्म का सीक्वल भी अनाउंस करने वाले हैं, काम शुरू हो चुका है। भाईजान बात तो सच थी, क्योंकि हाँ अंदर से खबर बाहर निकली है कि राउडी राठौड़ इस ऑन सर्जी, फिल्म तो बनने जा रही है लेकिन जैसे हम सोच रहे थे वैसे बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा झटका तो ये सुनकर लगेगा फिर कि फिल्म से अक्षय कुमार को हटाने के प्लान्स बनाए गए हैं, तो वो सीक्वल में शायद नजर नहीं आने वाले। उसका जवाब भी एकदम क्लियर लग नहीं रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को अप्रोच किया जा रहा है फिल्म की टीम की तरफ से लीड रोल प्ले करने के लिए, ऐसा रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है। वैसे सिद्धार्थ यूनिफॉर्म रोल्स कर सकते हैं, हमने शेरशाह में देखा है, लेकिन वो राउडी वाला फैक्टर इनके अंदर मुझे तो किसी भी एंगल से नजर नहीं आता। और अगर फिल्म के मेकर्स इस जिद पे अड़े गए हैं कि अक्षय के बिना ही सीक्वल को तैयार करना है, तो भाई मेरे हिसाब से तो यश जैसा एक्टर को अप्रोच करना चाहिए जिसके अंदर दम है भाई, जब वो स्क्रीन पे आएंगे तो पब्लिक सीटी ताली दोनों बजेगी। अब बंदे में केजीएफ जैसी वायलेंट फिल्म के अंदर जैसे सरकैज़म वाले डायलॉग मारे थे, वो सबूत है कि राउडी राठौड़ जैसा कैरेक्टर इनके साथ 100% मैच करेगा। वैसे आपको पता है कि नहीं, राउडी राठौड़ ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, इसको रीमेक किया गया था रवि तेजा की फिल्म से, और जानते हो उस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? एसएस राजामौली। चलो एक्सपर्ट ओपिनियन टाइप, राउडी राठौड़ 2 के अंदर अक्षय कुमार को होना चाहिए या नहीं, या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म के अंदर फिट बैठेंगे या फिर कोई दूसरा एक्टर दिमाग में? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया या कोई शिकायत करनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में भी। बाकी जो वीडियो को लाइक करेगा उसके लिए, और जो वीडियो को डिसलाइक करेगा छोड़ो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।